फ्रेंड, वेलकम टू स्वाति पटना चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम तो आए हुए हैं इस्कॉन मंदिर। यहाँ 7 तारीख को जगन्नाथ पुरी जी का रथ यात्रा है और रथ यात्रा में यहाँ सुबह 12 बजे से शुरू होगा रथ यात्रा और सब जगह से घूम के 1.5-2 घंटा 3 घंटा में फिर यहीं पर आके विराजमान हो जाएगा। और वहाँ 7 तारीख को शाम को यहाँ भव्य भोग का आयोजन है जो बहुत अच्छे से बनाया जाएगा, सब रकम का भोग। और यहाँ वितरण होगा, जिन लोग को भी वे भोग खाना होगा, रथ यात्रा देखना होगा। 7 तारीख को इस्कॉन मंदिर में सुबह 12 बजे से शुरू होगा और रात के 7-8 बजे तक चलेगा। उस बीच में आप लोग आके दर्शन कर सकती हैं, रथ यात्रा को देख सकती हैं। हम दोपहर में 1 बजे आए हुए हैं क्योंकि तो शाम को बहुत भीड़ रहता है। ये बाहर का गेट है जो लिखा हुआ है, पूरा बढ़िया से लिखा हुआ है, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव भव्य आरती कीर्तन प्रसाद का महाप्रसाद का। फिर रहता है कि यहाँ वीडियो नहीं बना पाते हैं, इसीलिए अभी दोपहर में आए हुए वीडियो बनाने। बोले भैया लोग कि बना लीजिए, अभी तो मंदिर का साफ सफाइया चल रहा है। यहाँ रेस्टोरेंट भी है तो रेस्टोरेंट का भी साफ सफाइया चल रहा है, सब लोग लगे हुए हैं कि 7 तारीख की तैयारी के लिए बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर है। और बाहर में टेंट उनका भी पूरा व्यवस्था हो रहा है और यहाँ पाइप से पूरा धो के दोपहर के समय साफ सफाइया किया जाता है क्योंकि फिर शाम को आरती या पूजन का समारोह यहाँ डेली होता है। तभी तो साफ सफाइया करके और फिर उस मंदिर को खोला जाएगा 4 बजे। पूरा तैयारी चल रहा है, यहाँ बांस बल्ली गिरा हुआ है और सब कारीगर लोग गर्मी में बहुत ही मेहनत से इसको बांध रहे हैं, छावनी बना रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ रहेगा। तो ऐसा नहीं कि जनता को किसी को कोई चीज़ का दिक्कत हो, इसे लाइन बाय लाइन करके मंदिर में इसको जाने का एंट्री दिया जाएगा। और भैया लोग पूरा गर्मी में परेशान है, तब पर भी काम करना है, रोजी के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, तो सब लोग काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं उनसे, वे क्या अपना बोलते हैं। काम कर रहे हैं, आज लगा है, कई दिन में काम खत्म होगा, आज में खत्म हो जाएगा। पूरा छावनी हो रहा है, तिरपाल डला है बरसात के कारण ना। चलिए मेहनत कीजिए, मेहनत तो रंग लाएगा ही। 7 तारीख को तो यहाँ इतना भीड़ रहेगा कि रोड को रोक दिया जाता, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आने दिया जाता है और वहीं से एंट्री बंद कर दिया जाता है। जो इस्कॉन आने वाले आदमी को एंट्री इधर दिया जाता है और हम लोग तो पहले से आके वीडियो बना लेते हैं क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ रहता है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और उस दिन मीडिया लोग भी बहुत लोग आ जाते हैं। और फैसिलिटी तो बहुत अच्छा दिया जा रहा है, यहाँ कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। आप लोग यहाँ से भी है होंगे, अगर कोशिश कीजिएगा रथ यात्रा देखना चाहते हैं तो पटना के इस्कॉन मंदिर में आके रथ यात्रा देखें और पूजा पाठ करें और यहाँ का महाप्रसाद ग्रहण करें। महाप्रसाद यानी 56 भोग यहाँ चढ़ता, 56 भोग को सब जनता में दिया जाएगा। अपना भीड़ रहेगा लेकिन उसी में सब जनता अपना भोग के लिए लाइन में लग के भोग लेंगे। इसलिए आप सभी लोग आइए यहाँ पर और अच्छे से रथ यात्रा देखिए, हम लोग भी आएंगे। अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।